अनिल भाई आ चुके हैं। आएगा तो ऐसे 5 बजे। ये है ना भाई। सो गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो भत्री ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस अब आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा मंदिर। वो अभी बज चुके हैं 8:30, 8:30 बज चुके हैं। 8:30 बजे से अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से जाएंगे अब सेक्टर 15। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेक्टर 15 में रावत भैया हैं। रावत भैया के साथ ही हम हमेशा जाते हैं, जहाँ भी प्लान करते हैं, जो भी हम ट्रिप करते हैं प्लान, तो उनके साथ ही जाते हैं। पिछली बार मैंने बहुत बड़ा ब्लॉग डाला था, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा ब्लॉग डालते हैं। तो मैंने 52 मिनट का ब्लॉग डाला था, जो मैंने कट करके 45 मिनट किया, फिर 30 मिनट्स किया, पर उससे कम नहीं हुआ। तो आज ट्राई करूँगा कि छोटा ब्लॉग बने, अच्छा बने और आपको अच्छा लगे। नहीं पता था कि लोग सच में क्या देखते हैं, तो कंटेंट दो, फीडबैक जरूर देना। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 15 रावत भाई के पास, और इनके काम अभी पूरे, इन्होंने खाना नहीं मंगवाया 1 घंटे से। इनको बोला था कि खाना मंगवाओ। अरे खाना आ रहा है यार। ये देखो, ये है जैक। लास्ट टाइम आपने ब्लॉग में देखा होगा जैक कैसे बाल थे इसके। इसके अब इसके पूरे बाल रावत जी ने काट दिए हैं। अभी आलिया भट्ट बैठी है और सस्ती आलिया भट्ट भी हमारे साथ जाएगी। और वो चाबी हमारे पास आई, तो हम इसको घुमा के लेके जा रहे हैं मंदिर लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये भी कुछ टाइम में फिर चली जाएगी। ठीक है सर, हारे का सहारा। ठीक है, 9:45 हम निकल रहे हैं। रावत जी का टास्क, हम हमेशा रावत जी को टास्क देते हैं। रावत भैया बताऊंगा तुम लोग, आपने जानते होंगे इनको, क्योंकि ये गाड़ी बहुत अच्छे से चलाते हैं। कि कितने बजे लगा देंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन ही हमारा ये होता है कि रावत जी कितने बजे हम गाड़ी लगा देंगे। 11:30 बजे कह रहे खाटू श्याम लगा देंगे। गाइस देखो, गुड़गांव से खाटू श्याम किसी को जाना है 2.5 घंटे में, ये गाड़ी लगा लेते तो कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। तो पूरा ऊपर ही ना पहुंचा दो भाई तुम, भगवान के पास मतलब भगवान के पास जा रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये नहीं भगवान ऊपर ही बुला रहा है, हद है तुम्हारी। तो गाइस कल यहाँ पर राव साहब भी आ रहे हैं, ये राजीव चौक है, राजीव चौक के पीछे देवीलाल स्टेडियम है। तो कल रवीश का नया सॉन्ग आएगा, आपने देखा होगा मेरी स्टोरी में, इंस्टाग्राम आईडी में मैंने डाला हुआ है। तो अच्छे से एंजॉय करके हम उसका गाना भी देख के जा रहे हैं, मेरी मेरी यारी का सहारा। भैया ये उसका एप्पल का चार्जर जल गया, ब्लास्ट हो गया और पूरे बिल्डिंग की लाइट चली गई। तो मैंने तो पहली बार देखा कि एप्पल की लाइट का, एप्पल का चार्जर जल के ब्लास्ट हो जाता है। ये आईफोन का चार्जर है, आईफोन का चार्जर है, ब्लास्ट हो गया था रूम में। टेबल पे निकलो और कांच की ग्लास पे चाय ना पियो तो कुछ मजा नहीं आता है ना भाई। स्मार्ट लग रहे रावत जी आप आज, बढ़िया सर। ये मत पिया करो यार, गंदी चीज होती है। चाय पियो हमारी तरह, चाय पियो। धूम्रपान कहता कि ट्रिप है इनके साथ हमारा, आज तीसरा दिन है हमारा इनके साथ। ये बहुत मिस कर रही थी हमें बहुत ज्यादा। भाई मैं किसकी तरह लग रहा हूँ? देख भाई, भाई ने भी बोले वीडियो, मैंने बताऊँ कैसे सुना, जिसने ना लिपसिंग की वहाँ से, ये अपनी बहन को दिखा रहा था वहाँ से बहन मुझे कोई पीडिल हुई तरह ऐसी हुआ था, अपनी बहन को दिखा रहा था इसको, मैं एकदम से ऐसे लगा पे ये पीडिल हुई। तो भाई मेरे सब्सक्राइबर मिले हैं छोटे से बच्चे, जिन्होंने मेरे को ये पीडिल में बोला था। मतलब शांति है, सुकून है, थोड़ा सा ठंडी हवा आ रही है, बहुत अच्छा वेदर। और मतलब मेरे ना गूज बम्स अभी से आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया था मंदिर में मैं जाता रहता हूँ, मुझे मंदिर में जाने का बहुत शौक है। और ये ब्लॉग मैं तभी बनाता हूँ कि मैं ज़्यादा रख नहीं पाता वीडियो, तो मैं क्लैप करके थोड़ा सा काट के डाल देता हूँ। तो गाइस हमारे साथ हो गया श्यापा, हमें आना था रिंग से, लेकिन जी ने नए वाले रस्ते जो नया रास्ता खाटो श्याम के लिए बना वहाँ से ले लिया। क्या बोलते हो? देखो बाबा के मंदिर के लिए जो है नया रास्ता बना है, उसी रास्ता को उद्घाटन किया जाए। तो दुखाना के रेंजर्स आते थे, हम रेंजर्स से होके आएंगे। पक्का पक्का देख लो, मेरी छाती पे दर्द नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं तुम्हारी छाती गाइस, अभी आप जब देखोगे ना फर्स्ट चीज, तो इन्होंने बोला था कि 11:30 बजे मैं लगा दूंगा गाड़ी। कहाँ पर? खाटो
साढ़े चार बज चुके हैं, मतलब हमें लग जाएगा आधा घंटा लेके चलो, मतलब पाँच बज जाएंगे हमें यहाँ पहुँचने में। आज क्यों? तो ये हमें झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको आधे रास्ते सोना होता है, आधे रास्ते तीन बार इनको चाय भी नहीं होती है। राहुल जी कितने बजे पहुँचे हम यहाँ पे? अभी बज रहा है ढाई। ढाई नहीं बज रहे, टाइम देख लो, 2:25 पूरे 5 बजे। यार बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब मैं ना आके यहाँ पे एकदम सुबह भी ऐसा हो जाता है ना, बस कब और शाम आओगे तब से मैं पहले फटाफट जाए, लेकिन तुम भीड़ देख सकते हो आगे भाई क्या प्रतिष्ठा प्रशासन और जैसे है ना यार, कौन सा है सूर्यवंश परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, तो ये परंपरा प्रशासन है कि प्रसाद देना जरूरी होता है, हम आए तो प्रसाद देके प्रसाद देना और चढ़ाना ना, भूख तो लगता नहीं है वहाँ से, आकर हम लेके जा सकते हैं, किसी को देख सकते हैं, अच्छा माना जाता है, ये चीज़ होती है। और शॉर्टकट तो हर जगह शॉर्टकट देखो तुम, मंदिर में जाने के शॉर्टकट, भगवान शॉर्टकट में पहुँचा देगा फिर किसी दिन। और अभी हमें मतलब टाइम से निकलना भी है क्योंकि अपना एलविस भाई का शो भी है, एलविस भाई का मीटअप भी है देवला स्टेडियम सेक्टर 38, तो हमें वहाँ पे जाना है। और जितनी जनता है पहुँचो वहाँ पे यार, भाई को सिस्टम को फुल सपोर्ट है, कट्टर साहब से सरकार योगी सरकार के। अक्सर ऐसा होता है हम ना पार्किंग लगा के भूल जाते हैं कि हमने गाड़ी कहाँ पे पार्किंग लगाई है। फाइनली हम पहुँच गए पूछते पूछते यहाँ से कि हमने गाड़ी निकल चुके हैं खाटू श्याम से, अभी हम जा रहे हैं रिंगल्स, और रिंगल्स से देखो लोग पैदल आ रहे हैं भाई, सुबह के 7 बजने वाले हैं, मतलब खाटू की जनता पैदल यात्रा लगी हुई है, पूरी यात्रा 16 किलोमीटर पैदल है यहाँ से, 17-18 किलोमीटर पैदल, तो यहाँ से रिंगल्स लोग आते हैं बहुत दूर से, गाड़ी यहाँ खड़ी कर देते हैं और फिर यहाँ से पैदल जाते हैं। भूख लग रही है, रिंगल से हम निकल रहे हैं लेकिन हमें कुछ रस्ते में भी मिला नहीं खाने के लिए। भाई जी यार भूख लग रही है, भूख लग रही है। क्या ऑर्डर किया हमारा? तुम्हारा तो अंदर ही है, यहाँ थोड़ी ना सेफ हूँ मैं। खाना जिम का खाना सदा रहो सुखी रहो, जिम का नहीं है ना, इसमें नमक है ना मिर्ची है ना कुछ है, ठीक है भाई। मेरे तो पनीर पराठे आ रखे हैं और देखो आलू पराठे। तो गाइस डिनर नहीं आपके रेस्टोरेंट का भाई, गुरु कृपा होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट है ये, पड़ता आपका रिंगस से जब आप खाटू श्याम की तरफ जाते हो, तो कौन सा गाँव है भैया? ये मुंडरू गांव है भैया, ने अभी ओपनिंग हुई है 1-1.5 महीना हुआ है, बहुत अच्छा खाना है गाइस, कभी भी आप लोग आओ तो यहाँ पे खा सकते हैं, अच्छा सा मतलब बहुत अच्छा प्राइस है, कम प्राइस से बहुत अच्छी सर्विस है, मतलब सब चीज़ है भाई के पास। आपका ये होटल फैमिली रेस्टोरेंट एक पास लंच है, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ से, प्रजापति अच्छा मटका बनाने वाले। तो कैसा चल रहा है अभी रेस्टोरेंट आपका, कितना रहेगा? बढ़िया चल रहा है। आओ खाटू श्याम की तरफ रिंगस रोड की तरफ, तो आप यहाँ पे आके जा सकते हो, मतलब मिलके या बैठ के रूम लेना हो किसी को, खाना का लंच और ब्रेकफास्ट सब कुछ ही है यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स वगैरह बेवरेज वगैरह, ठीक है भैया। यार भैया देखो सब और सब तो सब बढ़िया है, लेकिन भैया बहुत अमीर है, ठीक है। तो भैया का यहाँ पे जय लक्ष्मी सिरामिक्स ग्रैंड मार्बल्स एंड टाइल्स विक्रेता भी हैं, तो आप कर सकते हैं ऑर्डर अगर यहाँ आसपास है या कहीं भी जाते हैं। क्या प्राइस है, कैसा रेट है इसमें? जैसे कि 15 रुपए से चालू है टाइल, 15-40 रुपए फुट तक की, 15 रुपए से 45 रुपए फुट तक चालू है। देखो आप इधर खाटू श्याम बाबा दिख रहे हैं, भगवान की कसम खाटू श्याम बाबा दिख रहे हैं, देखो।
जमीन अरे चने जमीन अमरूद खाने हैं अमरूद बड़े जबरदस्त है तो मीठा अमरूद पूछ लो अमरूद है कहाँ के भाई शाहपुरा है तो गाइज हम पहुंच चुके थे 4:30 बजे घर पे एंड हम एलविस भाई के मीटअप पे नहीं जा पाए बिकॉज नींद इतनी आ रही थी हमें पता ही नहीं पड़ा कि कब नींद आ गई कब 7:30 बजे है। तो गाइज ब्लॉग पूरा देखना, आपको अच्छा लगे शेयर करना, कमेंट करना, फीडबैक जरूर देना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कौन सा पार्ट आपको नहीं अच्छा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर शोइंग योर लव गाइज़।